कितने उम्र होगी? हाँ अभी बहुत बढ़िया होगी। हाँ कहते पाँच साल उम्र से भगवान की भक्ति शुरू कर दो, है पाँच साल उम्र से भक्ति शुरू कर दो। बच्चों ने क्यों, जब बड़े होंगे करेंगे, अभी क्या तो जरूरत है? साधारण लोगों को बोलो भजन करने के लिए, बोले थोड़ी अभी हम मर रहे हैं, अभी तो बहुत नहीं जिता रहेंगे हम, हैं अभी तो लिखाई पढ़ाई करेंगे, नौकरी चाकरी करेंगे, शादीशुदा करेंगे, बच्चे जन्म होएंगे, उनको शादीशुदा करके जब रिटायर्ड लाइफ हो जाएगा एकदम माला कर ही लेंगे। अभी से भक्ति करने का क्या जरूरत? साधारण लोगों का ये कहना है। उसी तरह बच्चे लोग भी ऐसे बोले, प्रहलाद तू कह रहे हो अब तो पाँच साल उम्र है, अभी से तो भजन की बात करते हो। प्रहलाद ने कहा, देखो बच्चों, कौमार आचरित प्राज्ञम, जो बुद्धिमान है वो पाँच साल उम्र से भक्ति करते हैं। हैं बोले बच्चों ने बोले क्यों, जो बड़े होकर करेंगे? बोले कोई तुम्हारी गारंटी है इतना साल रहोगे? अभी कोरोना आया ना, हमारे मंदिर में एक बाबा है, उनका परिवार में तो तीन व्यक्ति चले गए। कितना उम्र में गए जानते हो? एक तो 14 साल में गया, एक 18 साल में, और एक 26 साल उम्र। उनका परिवार जो दो तीन भाई थे ना, उनका एक बेटा एक बेटी, एक बेटा एक बेटी, सारे बेटे चले गए, सारे बेटे चले गए, उनका वंश निर्वंश हो गया, है निर्वंश हो गया। इसलिए यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, तुम्हारे कहते कोई पूछता तीसरी लहर भी आने वाली है, इसलिए कह रहे हैं तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड रखा हुआ है क्या? ये कितना साल बच्चे कोई बोल सकता है? इसके पास में कोई गारंटी नहीं। इसलिए बचपन से प्रभु का भक्ति करो। बोले अगर इसी जीवन में नहीं होगा, अगले जीवन में करेंगे। तो प्रहलाद महाराज कहते, देखो बच्चों, दुर्लभ मनुष्य जन्म, भगवान ये शरीर बार बार नहीं देते। ये तो 84 लाख जन्मों के बाद में ठाकुर कैसे दे दिया, बाई चांस कैसे दे दिया? ये मत समझो हमने कोई बहुत बड़ा पुण्य कर लिया, जीवन मिल गया। नहीं, कहते एक गिलास पानी लो, है एक गिलास पानी में इतने बैक्टीरिया है, पृथ्वी में इतने इंसान भी नहीं, विश्वास करते कि नहीं बोलो? एक गिलास पानी में इतने बैक्टीरिया है, इतने जीव है, ये पृथ्वी में भी इतने इंसान नहीं है। उसी हिसाब से देखो कितने जीव जगत में, उसी हिसाब में मानव शरीर कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान राम कहते हैं, देत ईस बिनो है तो सनई, भगवान तो कैसे स्नेह करके दे दिया जीवन, हम पाने का लायक नहीं, ठाकुर कैसे हम दे दिया। इसलिए कहते देखो बच्चों, जितने जल्दी पार प्रभु का भजन करो, क्योंकि इसी जीवन में ही प्रभु की भक्ति करके हम संसार से पार हो सकते, सारे दुख कष्ट इसी जीवन में ही हमारी सारे दुख कष्ट खत्म हो सकता है। इसलिए जितना जल्दी पार भजन करो। फिर प्रहलाद महाराज बहुत अच्छी बात बताई, देखो कि देखो बच्चों, ये बताओ घर में कोई दुख को बुलाता है क्या? बोलो कोई घर में दुख को बुलाता है? हमारे घर अनमने कोई नहीं बुलाता है, सारा दुनिया चेष्टा करता है दुख जाए और सुख आए, दुख जाए और सुख आए, इसी चेष्टा सारा जीवन करते थे। ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, बोले बिना बुलाए दुख आता है कि नहीं आता है ना? कहते यहाँ जो लिख गया ना, तुम्हारी ललाट में जो लिख गया है वो जरूर आएगा, वो जरूर तुम्हारे पास में आएगा, क्यों ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, तुम्हारे पहले से लिख गया है, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने जन्म से पहले लिख दिया है, वो आएगा। जैसे बिना दुख बुलाए जैसे दुख आता है, सुख अगर तुम्हारे भाग्य में होगा, कहीं नहीं जा सकता, वहाँ फिर आकर के तुम्हारे पास में आएगा ही। इसलिए लेकिन हम जिंदगी भर क्या करते हैं, कभी एक चेष्टा करते हैं दुख कैसे हटाए सुख कैसे आए, दुख कैसे हटे सुख कैसे आए, दुख कैसे हटे सुख, इसी में ही जीवन को हम बिता देता है। लेकिन प्रहलाद महाराज इतनी अच्छी बात बताए, बोले देखो बच्चों, भगवान की भक्ति को करा, जैसे तुम्हारी दुख दूर होगा, जगत में और कोई उपाय नहीं उतना जल्दी कोई दुख को दूर कर सकता है। अगर जीव में सुख मिलेगा तो केवल प्रभु की भक्ति को द्वारा ही, जैसे तुम्हारे जीवन में शांति मिलेगी और कोई उपाय नहीं शांति को लाने का, क्योंकि सारे दुख का जो जड़ है ना, शास्त्र कहता है सारे दुख का जड़ है कृष्ण बोले सही जीव अनादि परे। हमने भगवान के भजन को छोड़ दिया, प्रभु को रख दिया पीछे और माया को कर दिया सामने। प्रभु को तो पीछे रख दिया, जिसमें आनंद शांति उसको तो पीछे रख दिया, और जिसमें शांति सुख नहीं ना उसको कर दिया सामने। कभी सारे दुख का जड़ है, हनुमान का नाम सुने हो, दिन भर करते हैं क्या राम की सेवा, रघुपति राघव राज आराम पति, दिन भर प्रभु का
ना भी करते ठाकुर को सेवा में लगे हुए, अपना दुख तो गया सारा दुनिया का दुख दूर करते हैं। कहते ना महावीर जब नाम सुना विभूत पिशाच निकट नहीं आवे, भगवान की भक्त में इतने शक्ति है सारे जिसका नाम लेने पर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, सारे दुख दूर हो जाता है। क्यों? और राम की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। इसलिए प्रहलाद कहते देखो बच्चियों एक उदाहरण देखो, जैसे तुम्हारे यहाँ पर कहीं फोड़ा हुआ दिमाग में चीजें बैठा दो, जैसे तुम्हारे हाथ में कोई फोड़ा हो गया, अगर उसको मलहम पट्टी करोगे ना देखना फिर दूसरे जगह पर फिर फोड़ा तो आएगा, उसको मलहम पट्टी करो तीसरा जगह पर मलहम फिर फोड़ा आएगा, पूरा शरीर में फोड़ा आते रहेगा। लेकिन पहले ये देखो फोड़ा हो रहा है क्योंकि तुम्हारा जो ब्लड है ना वो अशुद्ध हो गया, खराब हो गया है, बट खून में खराबी आएगी इसलिए सारे ये सो अच्छी जा रहे हैं। अगर खून को अगर सही करो तो अपने आप फोड़ा सही हो जाएगा, खून सही करो तो फोड़ा अपने आप सही हो जाएगी, अगर खून को सही नहीं करके बोलो मलहम पट्टी सारा शरीर में फोड़ा तुम्हारी होती रहेगी, सही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर कहते उसी तरह ये दुख का जो जड़ को पकड़ लो, प्रहलाद कहते दुख का जड़ है भगवान की भक्ति से हम दूर है, जितने प्रभु की भक्ति से दूर जाओ उतना ही दुख आएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बारी मत है ग्रीत सिकता ते बरुते बिनो हरि भजन न भवत हरि ये सिद्धांत अपे। गोस्वामी जी कहते हैं पानी को मंथन करने से घी कभी नहीं निकलेगा, हम मान सकते हैं भले ही पानी को बिलो तो तू घी निकाल दिया, रेती को पीसने से कभी तेल नहीं निकलेगा, मैं मान लिया कभी रेती को पीस पस कर तेल निकाल दो असंभव चीज। लेकिन अगर कोई बोलता है हम प्रभु का भक्ति नहीं करता है खूब खुश में रहता आनंद में, वो कहते भैया दुनिया सुख का जगत नहीं है, दुख का घर है, जिसने बनाया वो खुद कह रहे दुखालय ये दुख का घर है संसार है, तो कहते सुख मिल गया, ये जड़ वस्तु सब सुख नहीं देगा, सुख तो प्रभु की भक्ति देगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते बिनु हरि भजन न भवत हरि, जब तक हरि की भक्ति नहीं करोगे जीवन में कभी सुख का स्वप्न भी नहीं देख सकते, स्वप्न भी नहीं देख सकते। इसलिए सुख तभी मिलेगा जब प्रभु की भक्ति की तरफ जितना हम बढ़ते रहेंगे। इसलिए अगर जीवन में वास्तव शांति अगर सुख पाना चाहते हो अपना भजन को बढ़ाओ, अपना भक्ति को बढ़ाओ। उदाहरण जैसे सूरज उदय होने पर देखना अंधकार अपने आप दूर हो जाता है, अंधकार को दूर करने का जरूरत नहीं, सूर्य उदय होगा तो अंधकार दूर ही हो जाएगा। अगर हम जितने प्रभु की तरफ में बढ़ेंगे भक्ति का तरफ बढ़ेंगे उतना ही दुख तुम्हारी दूर होगा। लेकिन आप बोलोगे हम भक्ति करते फिर दुख क्यों आ रहा है, क्योंकि बोलते ना हम भक्ति कर रहे हैं फिर दुख क्यों आ रहा है, नहीं देखो ये चीज को समझाए मैंने कथा सुना था ना, जैसे जैसे दिमाग में बैठा जैसे कोई ड्रामा है, ड्रामे जैसे पहले क्या करते गेहूँ डाल देते थे उसके नीचे के छेद होता था, जितना होता था उतना निकाल लेते थे पीस करके आटा बना कर खाते थे। गाँव में यही होता था ना कि जैसे इसी साल खेती हुई, खेती में जो गेहूँ की दाना छोटा छोटा आया उसको ऊपर से डाल दो, दूसरे साल जब खेती हुई दाना बहुत बढ़िया बढ़िया आया उसको भी डाल दो, जब नीचे से निकालोगे पहले क्या कौन सा छोटा निकलने का बड़ा निकलेगा, बोलो क्यों तुम तो बड़ा डालना पहले तुमने जो डाले है ना वो मोटा निकलेगा, लेकिन कब जब तुमने छोटा सब खत्म हो जाएगा मोटा फिर निकलेगा, क्यों पहले तुमने जो डाला वो छोटा ही डाला, पहले तुमने बड़ा नहीं डाले हो, पहले तुमने छोटे डाले बाद में बड़े डाला, छोटा जब खत्म हो जाएगा बड़ा फिर। उसी तरह जो हम भक्ति करते ही हैं, जो भक्ति करते हैं आप देख लेना एक व्यक्ति तीन मर्डर कर दिया, कितना मर्डर कर दिया तीन। हमारे विधान कहता है विधान करते जब एक व्यक्ति को अगर तुम मर्डर कर दिया तो उसका आजीवन कारावास, लेकिन कितने व्यक्ति को मार दिया तीन व्यक्ति को, इसी जीवन में तो आजीवन कारावास हो गया लेकिन अभी उसको दो बाकी रह गया। आप देखना कभी कभी देखना एक व्यक्ति कुछ भी नहीं किया, किसी ने मर्डर फर्डर किया उसको साथ में था इसने कुछ नहीं किया बिना कारण में जेल चले जाता है, कहते भैया हमने कुछ किया ही नहीं जेल क्यों होगा, बोले कारण अभी तुम्हारा दो बाकी था, पहले तीन मर्डर किया था एक जीवन में तो एक मर्डर का आजीवन कारावास है, उसको तुमने तो भोग चुका था लेकिन अभी तुम्हारी दो बाकी था तुम्हारी, इसलिए हम फंस जाते कहीं बीच में है। लेकिन अगर भक्ति करते करते अगर आए तो सोचनी चाहिए पहले हमारा कोई कर्म था अभी ये खत्म, अगर चला गया तो खत्म हो गया फिर बड़ा आएगा मतलब आनंद आएगा। दूसरी बात बताए जैसे दो भाई थे एक नास्तिक एक आस्तिक, आस्तिक नास्तिक समझ तो नहीं, एक व्यक्ति मानता नहीं भगवान को एक व्यक्ति मानता है, अब जो ठाकुर का सेवा पूजा करता है जो पूजा करता नहीं उसको खिले उलाटता, भले दिन भर क्या माला लेकर हरे कृष्ण करते रहे तो क्या ठाकुर के सामने पूजा करते रहे, सब बेकार बात है।
ऐसे बोलता था। एक दिन निमंत्रण में दोनों भाई गए, जाते जाते जो भक्ति करता नहीं उसको सोने की मोहर मिल गया। उसने बोला देखा मैं तो राम राम कृष्ण कृष्ण कुछ नहीं करता हूँ, देखो सोने की मोहर ढाला मिल गया। कहते बात सही है। और थोड़ी दूर गए थे, जो भक्ति करता था उसको प्यार में लोहे का सीख गड़ गई, खून बहने लग गया। बोले देख लिया देख लिया, तो इतने राम राम कृष्ण कृष्ण कर तेरे को मिला क्या, पैर में सीख गड़ गई खून निकली, और मैंने कुछ भी नहीं करता हूँ देखो सोने की ढेला मिल गया। ये तो इतने अपमान उसको लगा। बोले बात तो सही है। वो दुखी दुखी हो गया, भगवान को पुकारा प्रभु जी तेरे दिन भर भक्ति पूजा करता हूँ तो सबको सामने मेरे ऐसे अपमान करते हो, आकाश वाणी। बोले बेटा ये मत समझो, भक्ति करने वाले को दुख नहीं, करने वाले सुख नहीं बेटा, अभी पूर्व जन्म की बात तुम्हें पता नहीं, सुन लो कि जो व्यक्ति को सोने की मोहर मिला ना पिछले जीवन में इतने दान इतने पुण्य किया था, आज का दिन उसको राज सिंहासन मिलने वाला था, राजा बनना था, लेकिन मुझे और मेरे भक्तों को चुगली निंदाएं करता है, इसलिए सारे पुण्य खत्म करते 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 सोने की ढेला दे दिया। तो सुन लो पहले जन्म में तुमने मर्डर किया था, आज का दिन तेरे को फांसी झूलने का था, चूंकि तुम मेरे भक्ति करते हो मैंने तो सारे पाप को खत्म कर दिया, लेकिन थोड़ी रह गया था इसलिए प्यार में थोड़ी सी सीख कड़ा करके थोड़ी तेरे को छोड़ दिया बेटा, क्योंकि तुम मेरे नाम भजन करते हो भक्ति करते हो, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन नह विक्रम नाश अस्ति प्रत्यपाय न विद्यते सल्पमपस धर्म सत्रायते महत्वया। हे अर्जुन मेरे लिए कोई इतना करता है ना मैं उसके लिए इतना करता हूँ, अगर मेरे लिए थोड़ी सी कुछ करता है उसको जन्म मृत्यु का चक्कर से हम उसको निकाल देते हैं। इसलिए ये सोच करके प्रहलाद कर देखो बच्चों, प्रभु की भक्ति के द्वारा ही जितने ये दुख दूर होगा, और कोई जगत में उपाय नहीं जो दुख को कोई दूर कर सकता है। इसलिए प्रहलाद कहते अगर जीवन में शांति सुख चाहते हो प्रभु का तरफ में जितना हो सके प्रभु का तरफ में बैठते रहो, प्रभु की भक्ति करते रहो, धीरे धीरे सारे पाप खत्म हो जाएगा। पर ठाकुर तो तुमको, और दूसरा बात बताए भगवान कभी कभी एक जीवन में सारे दुख दे करे, जो उसका कर्म फल रहता है ना, एक जीवन में सारे दुख को भोगा करके चाहते हैं ठाकुर जी इसी जीवन में इसको हम अपना पास में ले जाए, इसको बाद में इसका सारे दुख खत्म हो जाए। इसलिए कभी कभी ठाकुर क्या करते हैं इसी जीवन में जो थोड़ी बहुत उसको एक जीवन में भोगा लेते हैं, बोले इसी जीवन में तो भोग ले पूरा भोग ले, इसको बाद में प्योर हो जा और मेरे पास में पास इसी जीवन में तो फिर मेरे पास में आ जा, जहाँ जाने से दुख और कष्ट जन्म मृत्यु चिरकाल के लिए हमारी खत्म हो जाए, ठीक है ना। इसी जीवन सोच करके जितना जल्दी हो प्रभु का भक्ति बढ़ाओ, हरिनाम करो है, हरिनाम करो जितना हो सकता है प्रभु का नाम करो, क्योंकि जितना नाम करे उतना पाप हमारी खत्म हो जाएगी, जितना पाप हमारी खत्म होती जाएगी, पाप खत्म हो जाएगा तो बुरा खत्म हो जाएगा, तो फिर ठाकुर के चरण में चिरकाल के लिए स्थान, ठीक है ना। क्या करना, भक्ति करनी, सवेरे नहा धो करके सबसे सारे काम पीछे रख करके ठाकुर के सामने बैठना, बैठ कर माला जप करो, इसलिए पहले भजन उसके बाद में भोजन, ठीक है ना, पहले भजन कर लो, दिन भर तो काम करते रहो, काम नहीं भक्त तो जो कुछ करता है ठाकुर को सेवा के लिए करता है, हैं? जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो, पैसा लक्ष्मी है इसलिए हम काम करते हैं, लक्ष्मी के बगैर ठाकुर को सेवा नहीं होगी, इसलिए हम पैसा को कमाते हैं ठाकुर को सेवा के लिए, ठीक है ना। इस भाव से सारे काम करो और खूब आनंद में रहो और भगवान की भक्ति करो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे Thank you.
हरि बोल 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 ह